तो फ्रेंड ध्यान से देखें इस वीडियो को। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, ये वाली मशीन है हमारी, ये इस तरीके से सिलाई छोड़ रही है। देखें ध्यान से, जितना ये मोटा कपड़ा हम करेंगे उतनी ज़्यादा सिलाई छोड़ छोड़ कर चलेगी, और इस तरीके से सिलाई खींच भी रही है और धागा भी तोड़ देती है। देख सकते हैं कुछ ज़्यादा गहरी प्रॉब्लम दे रही है। देखें इस तरीके से, देखें कुछ इस तरीके की समस्या दे रही है। देखें ध्यान से, तो ये प्रॉब्लम दे रही है, और नीचे भी देख सकते हैं, नीचे भी इस तरीके के फंदे दे रही है मशीन। बहुत ही इस तरीके से अगर हम करेंगे तो सिलाई नहीं मेरी सही आएगी। देख सकते हैं, तो सिलाई छोड़ छोड़ कर चल रही है। काम का वीडियो देख सकते हैं इस तरीके से, एक बार और चलाकर दिखा देते हैं आपको, आ जाए कि प्रॉब्लम क्या है। तो चलिए यहीं से चलाते, देख सकते हैं नीचे का धागा भी और ऊपर का धागा, दोनों धागे सही हैं। तो फ्रेंड ध्यान से देखें, इस तरीके से नीचे का धागा थोड़ा भी ढीला है, ठीक है, हल्का सा ढीला है धागा। तो सबसे पहले हमें बॉबिन केस को ठीक कर लेना है। बॉबिन केस हमारा ज़्यादा ढीला धागा दे रहा है। चलिए देखते हैं, क्या पता कि इसी वजह से प्रॉब्लम दे रही हो। तो चलिए इसे इस तरीके से थोड़ा धागा बढ़ लें, काफ़ी धागा निकल गया हमारा। तो देखते हैं कि बॉबिन केस कैसे टाइट करें इसे। देख सकते हैं इस तरीके से डाल लें, मतलब काफ़ी ढीला है, ठीक, कुल मिला के। तो हमें क्या करना है, इस तरीके से देख लेना, इसके अंदर कोई धागा वगैरह ना फंसा हो। तो अभी धागा मेरा सही चलने लगा, देख सकते हैं धागा अंदर फंसा था तो सही हो गया, बॉबिन केस हमारा सही हो गया, ठीक है। तो चलिए हम चेक करके दोबारा देखते हैं कि हमारी मशीन में यही प्रॉब्लम आ रही है दोबारा या नहीं आ रही है। तो मोटे कपड़े पर ही चलाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर प्रॉब्लम मोटे कपड़े पर आ रही है, तो मोटे कपड़े पर ही चला कर देखेंगे। तो चलिए आगे चला कर देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए प्रॉब्लम तो अभी भी आ रही है, ठीक है, देख सकते हैं धागा अभी मशीन तोड़ रही है। देख सकते हैं इस तरीके की प्रॉब्लम अभी भी मशीन मेरी दे रही है। तो चलिए हम देखते हैं क्या प्रॉब्लम हुई भाई। तो ये ज़्यादा टाइट हमें लग रहा है धागा, थोड़ा कम कर लेते हैं यहाँ से। तो चलिए एक काम और कर लेते हैं, ठीक। अब एक काम कौन सा है, ये वाली निडल है, इसे चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमें लग रहा है ये कपड़ा भी खींच रही है मशीन, ठीक। इस तरीके का कपड़ा अगर खींच रहा है, देखें ध्यान से सिकुड़ा आ रहा है यहाँ पर, तो समझ सकते हैं कि हमारा धागा भी और हमारी निडल भी गड़बड़ है। तो चलिए निडल को चेंज करके देखते हैं कि निडल हमारी चेंज करने के बाद कैसा रिजल्ट देती है। निडल चेंज करना आप अच्छी तरह से जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, स्पेशली आपको वीडियो दे देंगे, ठीक है। तो चलिए इसे खोल लेते हैं, खोलने के बाद देखते हैं। देखो ये निडल तो देखने में सही लग रही है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आपको निडल एक बार चेंज कर लेना है, ठीक है। 16 की जगह 18 लगा लें, तो ये वाली लगा लेते हैं। 16 है कि 18 है, मैं नहीं दिख रहा साहब, 16 लग रही है, ठीक है। तो चलिए 16 नंबर की निडल को हम लगा देते हैं ये वाली, और ये वाली हटा देते हैं, ठीक। फिर देखते हैं कि मशीन हमारी क्या रिजल्ट दे रही है, सही चल रही है नहीं चल रही है, इसे अलग हटा देते हैं। और ध्यान से देखें थोड़ा, जो ये चपटा वाला हिस्सा है हमारे इस साइड जो 6 किस्में है, इस साइड इस साइड की तरफ हमें चपटा वाला हिस्सा रखना है। कौन सा हिस्सा, ये वाला, ठीक, ये वाला चपटा वाला हिस्सा। देखें पास से थोड़ा, ये चपटा वाला हिस्सा हमें इस साइड को रखना है। चलिए होल्ड करके अब हम दोबारा चला कर देखते हैं। तो नई मशीन लगाने वो नई निडल लगाने के बाद भी मोटे कपड़े पर इस तरीके की प्रॉब्लम दे रही है, यानी कि समस्या क्यों की त्यों है, देख सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें कहाँ पर सेटिंग करनी है, वो सबसे खास सेटिंग है। तो चलिए उसे हम आपको दिखाते हैं। चलिए अब हमें यहाँ पर हमारा सिस्टम सही हो गया, अब हमें चेक करना नीचे की तरफ, ठीक। नीचे की तरफ प्रॉब्लम है तो अंदर इसके देखते हैं। तो इसकी पटरी को खोल लेते हैं, इस तरीके से पट्टी को खोल लें और सेटिंग देखें, ठीक है। सबसे पहले शटल और सुई की सेटिंग को देख लें, अगर ये सेटिंग सही समझ में आ गई तो फिर सभी काम हो जाएंगे। तो फ्रेंड ध्यान से देखें, शटल और सुई के बीच में अगर गैप होगा तो फिर हमारी मशीन सिलाई चोड़ चोड़ कर चलेगी। और देख सकते हैं इस तरीके का आपको बीच में काफ़ी गैप दिख रहा होगा, ठीक है, जबकि इसे शटल और सुई को मतलब सुई और शटल आपस में चिपकती हुई निकलें, ठीक है। देखें ध्यान से गैप देखें इसका, ठीक है, जो ये शटल है, ठीक है, ये वाली शटल है, ठीक है, ये वाली शटल और निडल के बीच में जो गैप है, इस गैप की वजह से ही हमारी मशीन ये सारी की सारी प्रॉब्लम दे रही है, ठीक है। तो इस गैप को कैसे ख़त्म करें, इसके बीच में गैप नहीं होना चाहिए, अगर गैप होगा तो हमारी मशीन सिलाई छोड़ छोड़ कर चलेगी, धागा भी तोड़ेगी, और ये गैप आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो आपको क्या करना है, शटल के जो बोल्ट होते हैं, ठीक है, इन्हें थोड़ा लूज करके, ठीक है, और शटल को थोड़ा आगे खसका के, और सेम पोजीशन यही रखनी है, ठीक, जो पोजीशन अभी है वही पोजीशन आपको रखनी है, तभी आपकी मशीन सही चलेगी, ठीक है। तो कैसे में करना है, तो चलिए इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर ये वाला पैंच है, तो सबसे पहले इसे हल्का सा लूज कर लें, ठीक, ज़्यादा नहीं, हल्का सा लूज करना, ठीक, इस तरीके से लूज कर लें। और उसके बाद एक और पैंच होगा नीचे, एक पैंच इसका खो गया तो भाई उसके बगैर थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है,
चलिए इस तरीके से। तो हमें क्या करना है, शटल को थोड़ा आगे खसका लेना है, पैंच को हल्का सा और लूज कर लें, ठीक इस तरीके से पैंच को लूज कर लें थोड़ा इधर करके, और ये वाला पैंच भी लूज कर लें। लूज हो गया पैंच, ठीक है। तो चलिए अब इसे घुमाते हैं। तो इससे क्या करना, शटल को थोड़ा आगे और बढ़ा लेना है, बिल्कुल शटल को इससे चिपका लेना, ठीक है। देख सकते हैं ये हमारी शटल बिल्कुल इससे चिपकते हुए निकल रही है। अब ध्यान रखें थोड़ा सुई को हमें नीचे करना है, शटल को पकड़ लेना, सुई को थोड़ा नीचे कर लेना, ठीक इस तरीके से नीचे कर लें। अब हमारी शटल सुई का संपर्क एकदम अच्छे से हो रहा है, लेकिन ज़्यादा अच्छे से भी नहीं होना चाहिए, अगर ज़्यादा अगर चिपक के चलेगी तो सुई टूटने का भी डर रहता है, ठीक इस तरीके से चलेगी तो हमारी ना ही सुई टूटेगी ना ही कोई दिक्कत होगी। बस इतना रखें कि सुई में टकराए ना शटल, ठीक है, बस इतना रखेंगे तो इस तरीके से सेटिंग हमारी हो जाती है। देखें ध्यान से इस तरीके से सुई का जो छेंक होता है उससे थोड़ा ऊपर जो चपटा हिस्सा जहाँ से गड्ढा स्टार्ट होता है, तो बस गड्ढा स्टार्ट इस तरीके थोड़ा और शटल को पकड़ लें और नीचे से सुई को नीचे कर लें ताकि अच्छे से आसानी से निकल जाए इस तरीके से। ध्यान रखें लेकिन सुई के ऊपर वाले हिस्से में नहीं टच, अब ऊपर वाले हिस्से में टच हो रही तो सुई को शटल को पकड़ के सुई को थोड़ा ऊपर कर लें, ठीक इस तरीके से। इस तरीके से हमें सेटिंग को करना है, ठीक। तो एक बार साइड से और देख लें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इस तरीके की सेटिंग देख सकते हैं, इस तरीके की सेटिंग होगी तो हमारी मशीन सही चलेगी। तो हमें क्या करना है, हमारी सुई ज़्यादा नीचे ना हो, ठीक है, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें बीचों बीच से थोड़ा नीचे हमारी शटल की नखून निकले, ठीक है। तो सुई की बीचों बीच वाला चपटा हिस्सा है उससे थोड़ा नीचे नखून सुई शटल की निकले, देखें ध्यान से देख सकते हैं इस तरीके से। अब कहाँ पर क्रॉस करनी चाहिए शटल को, हमें सुई और शटल का संपर्क कहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर देखें, यहाँ पर, ठीक, कहाँ पर, ये वाला हिस्सा है सुई का जो छेंक है इससे थोड़ा ऊपर, ठीक, थोड़ा ऊपर हमारी शटल क्रॉस करते हुए निकले, ठीक है। तो इस तरीके से निकले तो समझ लो हमारी सेटिंग सही है। चलिए एक बार चेक करते हैं, तभी हम चलाएंगे, नहीं तो दोनों पैंचों को बराबर बराबर कसें, ठीक है। एक पैंच गायब हो गया इसका, तो वो पैंच भी दूसरा लगाएंगे। तो अभी पैंच नहीं मिल रहा तो अभी इसे ऐसे ही टाइट करके क्लोज कर लेते हैं, पहले चला कर देखते हैं, कोई दिक्कत आ रही तो फिर हम दोबारा आपको बताएंगे। सबसे पहले टाइट कर लें अच्छे से, एक पैंच इसका गायब है, यहाँ पर जो छेंक है उसमें पैंच नहीं लगा है। अभी थोड़ा ऑयल और डाल लें, ऑयल नहीं डाला होगा हमने। और ज़्यादातर प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है कि ऑयल वगैरह अगर प्रॉपर ना दें तब भी हमारी मशीन में प्रॉब्लम आती है। तो फिलहाल में तो देखो तो एकदम ओके है, ठीक, सिलाई एकदम सही है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसी भी पैंच तेल नहीं डाला तो उसमें तेल और डाल लें। और तो फ्रेंड्स कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको क्या सीखने को मिला और आपको समझ में आया नहीं आया। बस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, आप लोगों से अनुरोध है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक।